आज हम लोग देखने वाले और भी गाड़ियाँ, लेकिन इंडियन ब्लॉगर्स की कितनी गाड़ियाँ देखी थी भाई? भाई इतनी गाड़ियाँ हो गई ना, अभी थक गया मैं। तेरे पास क्या हो गई है? मतलब सबके पास यार, वीडियो देख देख के देखते भाई कितनी गाड़ियाँ खरीदते बेचते ब्लॉगर्स, इंडियन ब्लॉगर्स भाई बहुत पैसा। देखते आज इंडिया के टॉप 50 ब्लॉगर्स की कार पर बात करेंगे, जिनमें 7 लाख रुपए की कार से लेकर 7 करोड़ तक की कार तक बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 50 पर है मुंबई कार निखिल। निखिल इंडिया के टॉप मोटर ब्लॉगर में से एक है। निखिल भाई ने न्यू MG कॉमेट ईवी खरीदी है, जिसकी कीमत है 7 लाख। बहुत गंदी दिख रही है, इंडिया की सबसे वो ठीक है, लेकिन ये बहुत गंदी दिख रही है। गाड़ी मस्त दिखती है, पागल है, फीचर है भाई, ऐसा लग रहा है एक धक्का वक्का। हाईवे पे साइड से गई थी, कुछ समझा ही नहीं। इसको अगर धक्का वक्का दूंगा तो ऐसे गिर जाएगा, ऐसा लग रहा है भाई। अपने यहाँ पे अगर तूफान आएगा ना, गई है गाड़ी, पता नहीं भाई। सस्ती और छोटी इलेक्ट्रिक कार है, सिटी में लेकिन अच्छा है ना पार्किंग करने के लिए फटक से। हाँ यार, हाथ से उठा भी सकते है। लकनीत व्लॉग्स और मोहित चिकारा, इन सभी के पास महिंद्रा कार है, जिसकी कीमत 17 लाख रुपए है। लकनीत व्लॉग्स ने अभी हाल ही में खरीदी है थार, और सुनने में आ रहा है कि थार 5 डोर भी जल्दी लॉन्च होने वाली है। लक्ष्य और अरे थार का मैंने सुना काफी लोग बोल रहे कि अनकंफर्टेबल काफी ज्यादा। कौन चलाता है इतना? मुझे तो लग रहा है सिर्फ फोटो और शॉप के लेते हैं, कोई चलाता नहीं। नेक्स्ट कौन है ये? लक्ष्य एंड अरे ये अपने एलविश भाई के दोस्त लोग। हाँ लक्ष्य 14 ही। अच्छा अच्छा, दोनों ने मारुति ग्रैंड विटारा खरीदी है, जिसकी कीमत लक्ष्य 14 ही नहीं, वो तो अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लक्ष्य और अर्चित, इन दोनों ने मारुति ग्रैंड विटारा खरीदी है, जिसकी कीमत 19 लाख रुपए है। इतना महंगा मारुति ग्रैंड विटारा? ग्रैंड विटारा है, ब्रेजा नहीं है। अच्छा। विटारा उसके ऊपर का मॉडल, अपने जीप से कंपेयर होती है गाड़ी। अच्छा, ऐसा भी हाइब्रिड इंजन लगा हुआ है, जिससे ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से चल सकती है। तो दिख रही है। नंबर 45 पर है अरुण बनवा। अरुण भाई ने अभी हाल ही में न्यू हुंडई क्रेटा खरीदी है, जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। न्यू क्रेटा क्यों सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसका ही होता है गाइस, और यही गाड़ी थूकती है सब जगह। ये नहीं भाई, इसलिए तेरे को मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहिए। पता है मुझे ज्यादा है ये गाड़ी, इसलिए ये गाड़ी ज्यादा। ये गाड़ी वैसा नहीं है, स्पीड में इसका ब्रेक नहीं लगता है, तू समझा नहीं, सेफ्टी फीचर खराब है। हाँ अंदर से और भी लग्जरी कर दी गई है, और बाहर से फ्रंट और रियर में कनेक्टेड लाइट्स दे दी गई है। अब आते हैं ये कौन सा नया स्टाइल आया है, लंबी लाइट्स वो ऑडी का है ना, मेरे को बाकी गाड़ियों में नहीं। अरे टाटा ने तो पूरा आगे का भी लगाया, गंदा दिख रहा है भाई वो। पेकर, धीरू मोंचिक और लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, इन तीनों के पास महिंद्रा स्कॉर्पियो है, जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए। महिंद्रा की बिग SUV है ये, और आपको स्कॉर्पियो एन अच्छी लगती है या स्कॉर्पियो क्लासिक, जरूर बताना। साजिद शेख, मुझे पता है ना भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लासिक मतलब पुरानी, और ये नहीं। अच्छा वो एकदम वो नॉर्मल दिखते वो पुलिस वाली, पुलिस वाले लोग यूज़ करते हैं वो, तो बोले लोग यूज़ करते हैं मूवी। हाँ वो ये रोहित शेट्टी की, हाँ वही वही, हाँ वो वाली स्कॉर्पियो उड़ाने वाली है। यस, ठुका ठुकी। इनके इंस्टाग्राम में 7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, और एक व्लॉगिंग चैनल भी है, जिनके पास महिंद्रा XUV700 है, जिसकी प्राइस है 27 लाख रुपए। XUV700 और भी कई यूट्यूबर्स के पास है। इस पे लेकिन वो लेन असिस्ट वगैरह आता है इसमें ही है, वो महिंद्रा के सब गाड़ी जिसमें अभी नया ब्लैक कलर भी आया है। नंबर 40 पर है मिथपैट। ये गेम बन गए वो वाली क्लिप याद है गेमर, और व्लॉगिंग भी करते हैं। इनके पास टाटा सफारी है, जिसकी कीमत है 27 लाख रुपए, और ऑल न्यू टाटा सफारी में और भी तमाम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। अब आते हैं गोरो जोन और आमिर माजिद, तो इनके पास ये अभी भी ब्लॉगिंग करते हैं। यार भाई मतलब इतनी कभी नाम ऐसा आता नहीं आजकल नाम। DC Avanti ये तो लेकिन बंद हो गई थी, बंद है, बंद है, सेकंड में ले सकते हैं। DC Avanti है, जिसकी कीमत है 35 लाख रुपए। अरे ये तो सस्ती लैम्बोर्गिनी जैसी दिख रही है, तो इंडियन कंपनी ने ये क्या स्कैम किया था वो, ये वो। हाँ पैसा लेके भाग करके भाग गई, मुझे नहीं पता बट ऐसे बोल रहा हूँ। गाड़ी भी बहुत बकवास है। गोरो जोन के पास थार भी है, और आमिर माजिद के पास कावासाकी Z1000 भी है, जो करीब 16 लाख रुपए की सुपर बाइक है। अब आती है राइडर गर्ल विशाखा। विशाखा ने न्यू टोयोटा हाईक्रॉस खरीदी है, जिसकी कीमत है 35 लाख रुपए। ये कार बहुत ही कम्फर्टेबल है के लिए। इसमें फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा कम्फर्ट है, क्योंकि MPV है, इसलिए कम्फर्ट तो ज्यादा ही होगा। मुझे अंकित बयानपुरिया, राम राम भाई सारिया ने अंकित ब्लॉगर बन गई।
कुछ सर्टिफिकेट लगता है क्या? आजकल कोई भी चालू का हो जाता है। देखिए अंकित भाई तो यार फिटनेस इन्फ्लुएंसर में आएंगे ना। वही कह रहा हूँ, कोई भी बन जाता है, वही कह रहा हूँ। अच्छा मतलब सब लोग ब्लॉगर बन सकते हैं? सब बन गए, जिसमें करीब 38 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अंकित भाई ने टोयोटा हाइलक्स खरीदी है जिसकी कीमत है 40 लाख। ये कार UK 07 राइडर के पास भी है। नंबर 35 पर है पारस ठकराल। पारस भाई के 23 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी न्यू कार है मिनी कूपर। मिनी कूपर की प्राइस है 45 लाख रुपए। 45 लाख में आप फॉर्च्यूनर लाना चाहेंगे या मिनी कूपर? और मिनी कूपर कार्तिक आर्यन के पास भी है। अब आते हैं MSK, मनीष शर्मा और मुसाफिर AKA जोशी। इनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए। बहुत कॉमन हो गई, बहुत कॉमन, जितने भी कॉमन हो जाए। मजा नहीं, अभी नहीं मजा आ रहा। टोयोटा की रिलायबल गाड़ी बेस्ट है, बट जब सब लोग लेते हैं ना, गाड़ी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। होने देना, मेरे को क्या करना उससे। ठीक है, सब लोग लेंगे तो पार्ट्स भी जल्दी मिलेंगे, तो तू भी ले ले। तेरे को पता ना भाई जीप का क्या हो गया था? गाँव गए थे, वैसा नहीं, वो टेक्निकल फॉल्ट था। कुछ भी हो, लेकिन गाँव में मतलब सिटी में गए थे, होम टाउन। ठीक है, पार्ट्स नहीं मिलते पता है मुझे, तो वो क्या बोले, उधर से तुम लोग को टो करके लाना पड़ेगा। कुछ तो 35 लाख का टैक्सी के ऊपर मैंने सुना था। नहीं टैक्सी बोला कैब यूज होती है थाईलैंड में। हाँ थाईलैंड में यूज होती है, सही। मेरे को जाना पड़ेगा। नहीं है, लेकिन इसमें ऑफ रोडिंग और पब्लिक अटेंशन बहुत सही देखने को मिलेगा। नहीं भाई, पब्लिक अटेंशन की बात मत करो, ज्यादातर लोग गुंडागर्दी वाली समझते इसमें बैठे हुए। वही तो, छपरीगिरी मत करो गाइस। थार वाला वही सीन हो गया अभी, जो थार पे मेरे को इसलिए पसंद आती, थार क्रिएटा और ये फॉर्च्यूनर एकदम छपरी देख के लोगों को लगता है कि भाई ऐसे स्टंटबाजी, ऐसे छपरी लगते है ना तू सब। मैं कुछ नहीं करता है स्टंट। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। इनको आपने हर्ष बेनीवाल के साथ देखा होगा, जिनके पास BMW 3। अरे हर्ष बेनीवाल की वीडियोस में देखा मैंने, देखा। इनका चैनल भी अलग से, मुझे पता नहीं। अरे वो सौ जोशी का एक वीडियो बनाया था, ये वही है। ऑल यूट्यूबर्स। इनको आपने हर्ष बेनीवाल के साथ देखा होगा, जिनके पास BMW 330i है, जिसकी कीमत 51 लाख रुपए है। ये कार इन्होंने मॉडिफाई भी करवाई है और मैट ब्लैक कलर करवा दिया है। नंबर 30 पर है शिवम मालिक। ये वो वाले भाई है, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। अजीब अजीब मतलब पता नहीं है, सब फेक बातें करते बहुत ज्यादा। अच्छा याद आ रहा है भाई, कुछ तो सीन था। कॉन्ट्रोवर्सी करा देगा। कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, रियल चीज है भाई। कुछ ऐसी अजीब बातें फेंकते ना भाई, कुछ तो था मुझे याद नहीं। क्या मैं टीना वीडियो बनाते हैं मुझे लगता है भाई। तो कौन सी गाड़ी? BMW होगी। देखो मुझे फेस से लग रहा है वैसे, अगर कोई अलग बंदा है तो गाइस प्लीज दिखा दो, दिखा के ले। इसमें देखा होगा और ये व्लॉगिंग भी करते हैं। इन्होंने ऑडी Q3 खरीदी है जिसकी कीमत है 53 लाख रुपए। ऑडी Q3 अच्छी, 10 लाख कम बता रहे। नहीं वो ठीक है, गाड़ी गंदी दिखती है, बहुत गंदी दिख रही है। ऑडी खराब हो गई, ऑडी तेरे को पता नहीं भाई है। लेता है ये बिल, इतने गंदे क्यों दिख रहे हैं? बिल जाने, गाड़ी बकवास हो गई। इन्हें लगी तो Q5 ले सकते हो, और ये भी नहीं तो Q7, और फीचर्स चाहिए तो Q8 ले लो। मनोज देव मनोज देना टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर खरीदी है जिसकी कीमत 55 लाख रुपए है। लेजेंडर की ये चीता जैसी आके यानी हेडलाइट्स आपको दूर से ही दिख जाएगी, और फॉर्च्यूनर दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। और क्यों ना हो, सरकारी इससे 18 लाख रुपए कमा रही है। हाँ, अच्छा ना है, कुछ 30 लाख के ऊपर टोटल। भावना सेठ एंटरटेनमेंट, इनके 35 लाख सब्सक्राइबर्स है, जिनके पास मर्सिडीज की C200 है जिसकी कीमत है 57 लाख रुपए। ये देखिए मैंने सी क्लास एडमिट गोल्डी के पास भी है, और इसके ऊपर ई क्लास आती है जो आगे देखने को मिल जाएगी। अरमान मालिक के पास जिसकी कीमत है 66 लाख रुपए है, जिसको इन्होंने मॉडिफाई भी करवाया है। अपनी जीप चौड़े चौड़े टायर एलॉय लगवा दिए हैं इसमें, और इनके तो कई। लेकिन देखो ना, लोग अगर जीप वैंगलर देखेंगे ना, बोलेंगे इधर थारी थारी लग रही है। अरे ऑब्वियसली इसकी तो कॉपी ना थार, एक्चुअली थार बेटर लग रही है। क्या लैंग्वेज से आना, ये थोड़ी मतलब ऐसा पुराना मॉडल लगवा दिए हैं इसमें, और इनके तो कई यूट्यूब चैनल से YPM व्लॉग्स। भाई का क्या बोलना, दुबई में शोरूम है पूरा, जिस शोरूम की कीमत है 70 लाख रुपए। और लगभग सभी जानते हैं कि ये कार डायनेमो और स्काउट के पास भी है, और YPM के पास लैम्बोर्गिनी ग्लाडो भी है। अब आते हैं ट्रिगर्ड इंसान और लव कटारा।
इन दोनों यूट्यूबर्स के पास जैगुआर एफ-पेस है, नहीं जिसकी कीमत है 72 लाख। लेनी चाहिए थी। देखो क्या करना उनकी लैंड रोवर अच्छी है फीचर में, तू लेना पैसा दे, पैसा दे, आ गया भीख मांगने। अबे मेरे गाड़ी सेट नहीं हो रहा, बाल सेट जान दे तू, खुद ही सेट नहीं है, बाल बिल क्या है लगा। जिसमें तीन विलेंस आते हैं और ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है, रोहित जिंजूर के और जीत लाइफ स्टाइल। इन दोनों के पास मर्सिडीज की ई क्लास है, जिसकी कीमत है 75 लाख रुपए। ई क्लास देखा था, इनका वीडियो देखा था मैंने, फोटो भी डाल है इंस्टा। इसकी प्रीमियम सेडान है, और प्रीमियम चाहिए आपको तो एस क्लास खरीद लो। UK 07 राइडर, UK भाई टोयोटा सुपरा MK4 को इम्पोर्ट करवा रहे हैं। इसके एक्चुअल प्राइस का तो नहीं पता, बाकी ली होगी क्या? नहीं, एक्चुअल प्राइस इसकी बहुत कम है, मैंने देखा था 40 लाख तक आ जाती है। जापान में, नहीं नहीं जापान में लिया ना तो कुछ 24 लाख पे ही मिल रही थी, अपने जीप से भी सस्ती। वो एक बंदे की स्ट्रीम देख रहा था मैं, उस पर वो खरीदने जाता, वो लोग तो ऐसे ही ऑनलाइन में ऐप से खरीद लेते। इंटरनेट पर $90,000 से लेकर $2.5 लाख तक ये कार आपको मिल जाएगी। सुपरा MK4 दुनिया की सबसे फेमस JDM कार में से एक है, और बाबू भैया के पास लैम्बोर्गिनी हुराकन भी है। नंबर 20 पर है रचित रोजा। रचित रोजा ने BMW Z4 खरीदी है, जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। ये कार ज्ञान गेमिंग के पास भी है, इसमें नो कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और रचित भाई के पास XUV700 भी है 27 लाख रुपए की, अनुनय सूद। इन भाई साहब ने रैम TRX को इम्पोर्ट करवाया है दुबई से, क्या भाई? जिसकी प्राइस है 80 लाख। ट्रक है ये, दुबई में मिलता है। दुबई, ये देख दुबई का, ये कंपनी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं। तो ये अपने यहाँ का नहीं है ना? हाँ, अगर नंबर दुबई का है तो इम्पोर्ट नहीं करा है, वो इस पे लिया है, लीज पे लिया है वो 3 महीने का ये। नहीं नहीं नहीं, वरना उधर लिया होगा और इधर ये क्या है, वीजा पे लेके आए कार ने 1 लाख रुपए। और इन्होंने मर्सिडीज GTR AMG को भी इम्पोर्ट करवाया है, जिसकी कीमत है 2,64,00,000 रुपए। और इसका कलर भी इन्होंने बदला दिया है। आयुष यादव, आयुष यादव के 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनके पास जैगुआर F-टाइप कन्वर्टेबल है, जिसकी की नहीं लेनी गाड़ी, गाड़ी नहीं लेनी तेरे को, क्या लेना है? बाइक लेनी है? नहीं, मुझे लेना है बड़ा PC। इससे बड़ा अभी क्या घर के ऊपर रखेगा? मेरा एक्चुअली सपना था बचपन में ऐसा, अरे घर PC बना दे क्या, उसमें ही रहने का और ऐसा केस बनाने का रूम, आइडिया मस्त है। नहीं लगता किसने किया होगा। गाइस हम लोग करेंगे ये, कभी तो करेंगे, आपका रुपए लगेगा, कितनी जाएंगे, तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, रेडी रहना, कभी तो होगा ये जिंदगी में, ठीक होगा, ये ऑब्वियसली होगा। GT6 आएगा, हो जाएगा भाई, देख लेना। कीमत है 1 करोड़ रुपए। ये कार मोहम्मद शमी के पास भी है। करण सहगल, करण भाई ने BMW X5 खरीदी है, जिसकी कीमत है 1,09,00,000 रुपए। X5 के अलावा और भी टेक बर्नर के पास भी यही है ना, X5। हाँ। उसी कार है इनके पास, जैसे फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो N और XUV700। इसके ऊपर X6 आती है, जो गौरव तनेजा सर के पास है। X6 की कीमत शुरू होती है 1 करोड़ से और 1.5 करोड़ तक जाती है। एक कौन सा अपना ये ना, वो माने में सलमान खान के पास भी हुआ करती थी X6। अब आती है रजनी चौधरी और शोएब इब्राहिम, इनके पास BMW X7 है, जो 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है, जो BMW की सबसे महंगी SUV हुआ करती थी। और अब BMW XM सबसे महंगी है, जो 2.5 करोड़ रुपए की है। अब आते हैं एलविश यादव। एलविश भाई के पास मर्सिडीज E53 कैब्रोल है, जिसकी कीमत है 1,30,00,000 रुपए। ये कार इंडिया में बहुत ही कम है, ये अब तक की सबसे महंगी कार है एलविश भाई की, और फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी है इनके पास। अब आते हैं सौरव जोशी और JS Films। सौरव जोशी इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है, और JS Films ब्लॉगर बनेगा तू? अभी सब ब्लॉगर बन गए आज के डेट में, सब टेक यूट्यूबर, ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, सब चल रहा है। अच्छा, इंडिया के टॉप मॉडल ब्लॉगर है। इन दोनों ब्लॉगर्स के पास Porsche 718 Boxster है, जिसकी कीमत है 1.5। Boxster तो सस्ती थी ना? नहीं, फिर भी 1.5 करोड़ लगता है, 1 से 1.5 करोड़ लगता है। ये वाली Porsche और Mustang काफी यूट्यूबर्स के पास है, और Porsche 718 Boxster काफी लाइट वेट कार है। नंबर 10 पर है मल्लू ट्रैवलर, ये एक साउथ इंडियन ब्लॉगर है, जिनके पास ब्लू कलर की Porsche Panamera है, जिसकी कीमत 1,70,00,000 रुपए। मेरे को नहीं पता भाई, बहुत फेमस Panamera कपिल देव के पास भी है, और Panamera की टॉप स्पीड है 290 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं जेट प्रभजोत, अश्विन सिंह टकियार और अज्जू 3008। इन तीनों के पास लैंड रोवर डिफेंडर है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए।
डिफेंडर को गॉडफादर ऑफ एसयूवीज के नाम से भी जाना जाता है। हाँ सही दिखते भाई डिफेंडर, सबसे महंगी जो कि एक डिजायरेबल प्रैक्टिकल और एक कैपेबल like है। रेंज रोवर उसपे से भी लगता है वेलारी अच्छी दिखती है। नंबर 6 पर है तो वो सिग्नेचर वो एकदम मस्त लगती है, सेम प्राइस डिफेंडर। ये गेमिंग के साथ साथ व्लॉगिंग भी करते हैं। अच्छा इन्होंने हाल ही में पोर्शे 911 खरीदी है रेड कलर में। फोर्जा होराइजन 5 गेम में ये कार चलाते थे और आज रियल लाइफ में चला रहे हैं। इस कार की कीमत है 2 करोड़ रुपए। साथ ही साथ इनके पास हैरियर और महिंद्रा थार भी है। नंबर 5 पर है एक्सप्लोर द अनसीन्स। विकास दयाल जी ने हाल ही में टोयोटा लैंड क्रूजर LC 300 खरीदी जिसकी कीमत है 2 करोड़ 10 लाख रुपए। इसमें फीचर मजबूती मतलब से बड़ा है नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग गाड़ी है और पावर। बट मैंने ना एक चीज नोटिस, ये अपने सीएम के पास है। नहीं नहीं, जो लोग ये गाड़ियां लेते हैं ठीक है, ये इसका वो वाला इस्तेमाल नहीं करते, ऑफलोडिंग वाला। ऑफलोडिंग के लिए ये गाड़ियां फुल एक्चुअल ऑफलोडिंग के मामले में बहुत ही जबरदस्त एसयूवी है ये, जो पॉलिटिशियन की फेवरेट कार है और लैंड क्रूजर सलमान खान के पास भी है। नंबर 4 पर है द मृदुल। मृदुल के पास लैम्बोर्गिनी हुराकन है जो 3 करोड़ 70 लाख रुपए की कार है। इनके अलावा गुरुमान फिटनेस के पास भी है हुराकन जो 320 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकती है। 320 कहाँ चलाएंगे भाई, रिस्की भी है और कहीं इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है। और अब आते हैं संजू सेरावत और सोम जेना। इन दोनों के पास मर्सिडीज जी वैगन है। ये सही कहा, ये सबसे यूनिक। बट ये भी ना सुन सुनते देखो पता ना होगा, तो जैसे थार इंडिया में ठीक है, थार या दुबई में जी वैगन है, वैसे दुबई एंड यूएसए में जी वैगन को मानते हैं। एस्कॉर्ट कार यूज होती है। मैं ब्राबस का किट लगा हुआ है जिसमें और भी फीचर्स और आवाज भी रॉकेट। पता है मुझे सब 2 करोड़ बच जाते हैं। वो मर्सिडीज का मॉडिफिकेशन करा, नहीं सब गाड़ियों का करते नहीं, बट प्राइमरी मर्सिडीज का जैसी हो जाती है। और नंबर 1 पर है गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी के पास। अभी तो मैं क्लियर है, P1 की एलियन कार, जी वैगन, रेंज रोवर, BMW। जब गाड़ियों का नाम आता है भाई यूट्यूबर, नहीं किसी भी चीज का ले, किसी भी सेक्टर में ले भाई, अपने टेक्निकल गुरुजी कभी नहीं पीछे। दुबई में भी आ जाएंगे यार कुछ दिन बाद, अभी तो इंडिया में टॉप पे आते हैं। फिर भी वो ये बेस्ट लेवल लेते हैं, अच्छे अच्छे लेंगे ना भाई सब खो जाएंगे। गाइस मजा आ गया सबकी गाड़ियां देख के। तू कब लेगा नोबड़े तेरी तो भाई। गाइस मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूं ठीक है, मुझे गाड़ियां इतनी नहीं पसंद कि भाई 10 गाड़ियां मुझे चाहिए। एक ही चाहिए, एक चाहिए बस होगा। तो ठीक है एक ही कब लेगा, एक है ना चीप कंपस बस होगा। रेंज रोवर गाइस नहीं बस होगा भाई, बस होगा गाड़ियां। देखो कब से पड़ी है ठीक है, कहां चला के लेके जाता है, गांव जाके आता हूं मैं। गांव जाने के लिए गाड़ी चाहिए इसको भाई। गाड़ी एक प्यार होता है, वो चलाने के लिए नहीं हीरा होता, प्यार नहीं भाई मेरे लिए गाड़ी गाड़ी है। तू कुछ काम का नहीं है, रिएक्शन कर रहे हैं ये कंटेंट है गाइस, ये बात सही है गाइस, रिएक्शन करो। लेकिन मुझे पता आपको मजा आया देख के, तो लाइक देना इस वीडियो को, चाहे तो सब्सक्राइब करना ताकि सोच वॉचिंग। बाय।